अस्सलाम वालेकुम, मैं सेनेटरी स्ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो पेपर आप देख रही हैं ये कल 23 सितंबर 2021 को हो चुका है। मैथ का कंप्लीट पोर्शन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसकी सोल्यूशन हमने एक कागज पर मतलब ओकी है, तो सोल्यूशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो चैनल को आप लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। ये कल जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था इसमें हम क्वेश्चन 60 से लेकर 70 तक करेंगे, अगली वीडियोज में 70 to 80 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ के पोर्शन को। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं 10 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कर लें। तो 61 क्वेश्चंस जो पेपर में आपको दिखा चुका हूं, कल तो पेपर मिला नहीं था तो कुछ पेज ऊपर वैसे ही किसी ने क्वेश्चन इधर उधर से लिखे थे, लेकिन आज इसका बकायदा हमें पेपर मिल गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। VII नंबर ऑफ सिंबल इन रोमन नंबरल इज, ये किसके लिए होता है? रोमन में नंबरल्स के लिए, किस के लिए होता है? तो यहाँ पर आप दे सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 के लिए, ये सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। इंडिपेंडेंस ईयर 1947 आप पाकिस्तान कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रोमन नंबरलेस, इसको कैसे लिखेंगे? थोड़ा सा अपना कंसेप्ट, नेक्स्ट बार जो है इससे आगे पीछे और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो अपना कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। तो अगर हम इस तरह लिख लें एम हज़ार के लिए, सी एम जो है ना, अगर सी हम लिखते हैं, यहाँ पर सी नहीं लिखा, सी 100 के लिए होता है। तो एम से अगर छोटा जो सिंबल है इस तरफ डालेंगे तो माइनस होगा, तो हज़ार से 100 को माइनस करेंगे 900, एक्स होता है 10 और एल इक्वल टू होता है 50 और VII 7। तो इसलिए ये आपके पास ये सिंबल हज़ार और दूसरा 900, अगला 40 और प्लस 7, इन सबको अगर आप प्लस कर लें तो ये 1947 ही आएगा और यही हमारे पास इसमें जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑप्शन ही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर बनता है इसका। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 63 है। 64 इज़ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, 64 बच्चों का ग्रुप से, वेयर गर्ल्स आर 24 देन द नंबर्स ऑफ बॉयज़, वो कितने होंगे? तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ 64 में से आप 24 निकाल लें तो आपके पास 40, और यही बी ऑप्शन हमारे पास है वो करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन 65 की तरफ चलते हैं। द लोवेस्ट नंबर ऑफ 1/2, 3/4 और 2/5 इज़, इस तरह फ्रिक्शन से हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता कि इसमें कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो सबसे छोटा नंबर बताना है इसमें। अगर इसका हम एलसीएम ले लें तो 2 1s are 2, तो ये नीचे वालों का इसका यानी इसका एलसीएम 2 4 5 का एलसीएम लेंगे, 2 2s are 4 5, उसी तरह 2 1s are 2, 5 1s are 5, तो इसका आएगा 20। 20 को आप इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास इस तरीके से ये हो जाएगा, यानी आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है इसके साथ 1/2 को भी 20, 3/4 को भी 20 और 2/5 को भी 20, तो 2 10s are 20, 10 आएगा, 4 5s are, तो 5 3s are 15, 5 4s are, 4 2s are 8। तो आप देख रहे हैं ये तीसरे नंबर से जो हमारे पास नंबर आया है यही सबसे लोएस्ट है, यही सबसे छोटा है, तो ये सी ऑप्शन पर आपके पास मौजूद है और सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो 2/5 यही करेक्ट आंसर है और यही हमारे पास लोएस्ट फ्रिक्शन है, लोएस्ट नंबर है। तो 63 के बाद हमने 65 लिख दिया, तो 64 रह गया था, तो इसको भी लिख दिया। आमना हेड 120 ईयर्स इन बियर्स इन हर टॉय स्टोर, शी सोल्ड 2/3 ऑफ देम एज आर एस 12 ईच शी रिसीव्ड, अगर उसके पास इतने खिलौने हैं ठीक है, अगर वो 12 यानी इसने शी सोल्ड 2 और 3 इसमें से वो बेच देती हैं 12 रुपये के हिसाब से, तो क्या टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ वो 120 है आपके पास, 2 और 3 इसमें से अगर वो करते हैं बेचती है तो 2/3 × 120, 3 4s are 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 रह जाएगा, यानी 40 × 3 = 120, 40 × 2 = 80 हो जाएगा हमारे पास। तो अब सेलिंग प्राइस, अब इसका सेलिंग हर एक उसने कितना पेपर भेजा था जी हमारे पास, यानी 12 रुपये पर, तो 12 8 96 साथ एक ज़ीरो लगा दें तो बी ऑप्शन आपके पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि हम इस तरह की मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ जो है ना वो अपलोड कर सकें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है। द सम ऑफ टू नंबर इज 25, वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाई 9,
द डैश द नंबर इज, तो लेट द टू नंबर्स आर एक्स प्लस वाई, आप लिख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू 25 है। अगर x यानी पहले की वैल्यू जो है दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा हो रही 9, तो y प्लस 9 आ जाएगा। दोनों को प्लस करें, x की जगह y प्लस 9 लिख दिया तो प्लस y, तो ये 2y बन जाएगा, 9 दूसरी तरफ जाएगा, तो 25 से 9 माइनस होगा तो 16, 2 8 जार 16, तो ये 8 आपके पास ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये इसका जो है एग्जैक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स विड्थ, या ब्रेड भी कह सकते हैं, इफ द पैरामीटर इज 72 मीटर द लेंथ इन मीटर इज, वो कितना होगा, तो आप देख सकते हैं लेट द ब्रेड्स ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स, अगर आपके पास ब्रेड नहीं है विड्थ नहीं है तो लेट इक्वल टू एक्स कर ले, लेंथ तो आपके पास है टू टाइम यानी ट्वाइस है डबल है तो 2x हो जाएगा। एज वी नो दैट, हमें पता होता है कि ट्राइंगल का पैरामीटर यानी 2 टाइम लेंथ प्लस वेथ या वेथ प्लस लेंथ हो जाता है हमारे पास इक्वल टू पैरामीटर, तो लेंथ हमारे पास 2x है और वेथ हमारे पास x, 2x प्लस x हमारे पास हो जाएगा 3x, तो 3 टू आर 6 इक्वल टू 72, 6 पर दोनों तरफ करें तो 12 छिक 72 यानी 6 12 आर 72, x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यही आपके पास पहले ऑप्शन पर आपके पास ये आंसर मौजूद हैं, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ये ऑप्शन में ये आंसर मौजूद है, और यही हमारे पास नहीं सॉरी यहाँ से थोड़ा सा आगे और भी हैं, क्योंकि उसने पूछा है लेंथ का, ये तो हमारे पास विड्थ की वैल्यू, हैंस द विड्थ द लेंथ आपके पास 2x के इक्वल है, तो ये जो आपके पास x की वैल्यू 12 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। इस चीज़ को ख्याल करना है क्योंकि उसने दोनों वैल्यूज़ दी हैं लेंथ की और विड्थ की भी, तो ये हमारे पास आती है विड्थ की, तो 12 दुनिया 28 उसका 12 दुनिया 24 यानी उसका डबल है 12 का, तो इसका डेफिनेटली हमारे पास लेंथ जो आएगा वो आपके पास 24 आएगा और वेट आपके पास ब्रेड जो है वो 12 ही आएगा, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है बी 24। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये भी एग्जांपल, अरमान इज़ 5 इयर्स यंगर देन रियाज, 4 इयर्स लेटर रियाज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज अरमान, प्रेजेंट एज ऑफ रियाज कितना होगा, 6 ईयर होगा, 15 ईयर, 16 ईयर, तो 20 ईयर। इसकी सॉल्यूशन की तरफ भी चलते हैं अगले पेज की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68, इसका जो आंसर है यहाँ पर, लेट द प्रेजेंट एज आप रियाज आप x लिख लें, अरमान इज़ 5 ईयर्स यंगर तो x माइनस 5 हो जाएगा हमारे पास, यानी कम है तो x माइनस 5, 4 ईयर लेटर 4 साल बाद हो जाएगा रियाज x प्लस 4 हो जाएगा, और एज आप अरमान हो जाएगा x माइनस 5, ये जो है इसमें से इसमें प्लस करेंगे 4 यानी 4 साल बाद, तो x माइनस 1 यानी 5 से 4 निकालेंगे माइनस 1, तो अब इसका जो एज है रियाज का वो किसके यानी डबल है ट्वाइस है अरमान के, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 जो एज आया है इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 1, या इस तरह लिखें ये इधर लिख लें ये उधर से लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 4, अगर x इधर आ जाए तो 2x माइनस x हो जाएगा और ये माइनस 2 दूसरी तरफ जाएगा प्लस, तो 2x x निकालेंगे x, x इक्वल टू 6, और यही इसका हमारे पास प्रेजेंट एज है आप दरियाज, तो ये ऑप्शन बी आपके पास, ऑप्शन आपके पास ए पर मौजूद हैं 6 ईयर पहले ही ऑप्शन, तो ये हमारे पास यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो ये आप आंसर की से बकायदा ये सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, किसी क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चंस में आप को शक आए या कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह कमेंट में भी आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 69 है, देर आर 40 टीचर्स दैट वर्क्स इन अ स्कूल ऑन फ्राइडे, 28 टीचर्स वर प्रेजेंट टीचर शोड अप यानी आर वर्क इज, अब कितने टीचर यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बहुत आसान है 28 का आपने परसेंटेज निकालने तो 28 है, टोटल टीचर 40 से ज़र्ब 100 करेंगे तो ज़ीरो इसके साथ काट लें, चार एक चार, चार सती 28, सत्ताईस 70, 70% जो है ना वो काम कर रहे हैं, तो ये था अगला क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का, इसके बाद हम बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं 70 से लेकर 80 तक वो बाद अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाती है, तो 70 लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और इससे पहले आपसे एक गुजारिश है छोटी सी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, नीचे रेड बटन होता है उस पर सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलेगा, आपके यूसी में जितने सीट हैं पीएसटी जीएसटी सारे नोटिफिकेशन आंसर की बर वक्त हम अपलोड करते होते हैं, वो भी क्लियर फेक नहीं, मतलब
चीज़ को कंफर्म करके तब अपलोड करते होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास। द फार्मूला ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ यानी बेस इनटू हाइट इज़ यूज्ड फॉर। तो ये तीन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास, ये पैरेललोग्राम है, इसका ये एच होता है हमारे पास हाइट, तो बेस इनटू हाइट होता है, तो ये इसका जो एरिया हम निकालते हैं, तो ये एरिया का फार्मूला है, तो डी ऑप्शन आपके पास जो है वो करेक्ट है। इसके बाद इंशाल्लाह बहुत नमाज के बाद हम कोशिश करेंगे कि अगले जो क्वेश्चंस हैं जुमे के नमाज के बाद 70 से लेकर 80 तक, वो भी आपके साथ सॉल्यूशन के साथ शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।